हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो कि आपके लिए है इंपॉर्टेंट। एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या होती है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मीनिंग जानेंगे, इसकी ड्यूटीज जानेंगे, एज वेल एज इसकी जो पावर्स हैं वो जानेंगे। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बारे में शुरू करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपने कई बार देखा होगा या फिर आपने कई बार पढ़ा होगा, जब आप कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कई सिचुएशंस में एक नाम आता है जो कि है रजिस्ट्रार, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कराने पड़ेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है भेजने पड़ेंगे रजिस्ट्रार को, नोटिस का डिटेल जो है वो देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। तो ये जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये आपको कंपनीज एक्ट पढ़ते टाइम जो है हज़ारों बार पढ़ने को मिलेगा। पर ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है क्या, जिसको हमने अपने सारी जो है कर्मकुंडली जाकर के दिखानी पड़ती है, जिसको हमें सारी जो है अपनी डिटेल्स बतानी पड़ती है, सारे अपने कर्मकांड दिखाने पड़ते हैं, तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है क्या, ये कौन है, क्या ये एक ऑफिस है, क्या ये एक कमेटी है, क्या ये एक सिर्फ कह लीजिए कि पर्सन है या क्या है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो देखिए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कुछ नहीं है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको एक पोजिशन पर बैठाया गया है जिसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कि अपनी जो भी इस कंपनीज एक्ट के है जितनी भी ड्यूटीज होती हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सब निभाता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 75 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एक्सप्लेन किया गया है इन कंपनीज एक्ट 2013। वहां पे जो रजिस्ट्रार को मतलब निकाला गया है वो है कि रजिस्ट्रार मतलब कि रजिस्ट्रार भी है प्लस एडिशनल रजिस्ट्रार, यानी कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार है उसको भी रजिस्ट्रार ही मानोगे, एक ज्वाइंट रजिस्ट्रार को भी रजिस्ट्रार मानोगे, अ डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी और एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी, यानी सब क्या है, सब हमारे रजिस्ट्रार है। जैसे कि होता है ना लड़कों के लिए बीबी पिंक नहीं है, पीच पिंक नहीं है, सब पिंक है, वैसे ही इसमें बोला गया है जितने भी ये सारे रजिस्ट्रार हैं वो सारे रजिस्ट्रार के तहत ही आएंगे। और ये सब की जो है ड्यूटी होती है कि वो कंपनीज की रजिस्ट्रिंग करें कि कौन सी कंपनी का क्या कब रजिस्टर हुई हो जा होती है, उनका क्या प्रोसेस सारा होता है, वो सब काम ये करे, रजिस्ट्रिंग उनकी करे, और उनकी यानी कि कंपनीज की जो भी ड्यूटीज़ हैं जो वो कंप्लीट कर रहे हैं अपने आरओसी के तहत, उनको फिर उसके बाद डिस्चार्ज कर दे वेरियस फंक्शंस अंडर द एक्ट के तहत। अब बात करते हैं, देयर इज़ अ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में हर स्टेट के लिए एक रजिस्ट्रार बना हुआ है, एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको कौन चूज़ करता है, इनको चूज़ करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सन, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो चूज़ करते हैं कि उन वो अपॉइंट करते हैं। ही मे बी असिस्ट इन हिज वर्क बाय द अदर रजिस्ट्रार ऑफिस। अब एक व्यक्ति तो सब कुछ कर नहीं सकता, तो इसीलिए बाकी के जो लोग हैं उन ऑफिस के उसके हेल्प से जो है ये सारे काम किए जाते हैं, उनको जो है असिस्ट लिया जा सकता है। द ऑफिस ऑफ आर ओ सी इज़ अ पब्लिक ऑफिस वेयर कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल डॉक्यूमेंट्स एंड रिटर्न एंड द पब्लिक इज ऑथोराइज टू इंस्पेक्ट द सेम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ। देखिए, आर ओ सी का जो ऑफिस होता है ना, ऐसा नहीं है सिर्फ जिन्होंने कंपनीज खोली हुई है, जिन्होंने कंपनीज रजिस्टर करवाई हुई है वही आर ओ सी के ऑफिस में जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं है तो आप हमारे ऑफिस में क्यों आ रहे हैं, नो, नॉट पॉसिबल। आर ओ सी जो है एक पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस यानी कि आप हम वहाँ पर जा सकते हैं। और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आपने देखा होगा कि वहां पे कई सिचुएशंस में जो है आपके पास राइट होते हैं, आम जनता अगर देखना चाहे तो कंपनीज के जो अकाउंट्स होते हैं, कंपनीज के कुछ डिटेल जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास है, जो आरओसी के पास जो है जमा होती है, अगर आप वो देखना चाहते हैं आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो आरओसी का जो ऑफिस है दैट इज अ पब्लिक ऑफिस, वहां पे कोई भी पर्सन जा सकता है, कोई भी पर्सन यानी कि आप और हम जैसा कोई भी पर्सन, और वहां पे जो है कंपनीज क्या करती हैं अपने डॉक्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स को जो है वो फाइल करती हैं, वहाँ पे ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और वहीं पे जो पब्लिक होती है, नॉर्मल पब्लिक होती है, वो उनको कुछ जगह पे अथॉरिटी मिली हुई है, ऑथराइज्ड है वो कि वो जाकर के वो सब डॉक्यूमेंट्स जो कि आपकी किसी भी कंपनी की रिटर्न्स हो गई या कुछ और डॉक्यूमेंट्स हो गए वहाँ जाकर के आप जो है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर, इन ऑर्डर टू
coordinate, direct and supervise the work of registrar. Four regional offices have been set up with headquarters at Mumbai, Kolkata, Chennai and Noida headed by regional directors. अब क्या बोला गया है, जैसे कि आपके कई हर स्टेट में, अभी हमने बात की, हर स्टेट में एक एक आपका जो है रजिस्ट्रार अवेलेबल है, तो वहाँ पे अब उन रजिस्ट्रार के ऊपर भी आपके जो है चार पैन, एक तरीके से बोल लीजिए चार जोन में, रीजनल जोन्स में बांट दिए गए हैं, जिसमें चार आपके अलग अलग ऑफिस है, दैट इज़ योर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड नोएडा. अब इनके अंदर जो है रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं जो इनके ऊपर नज़र रखते हैं कि बाकी सारे जो हमारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं वो ठीक तरीके से काम करें. अब बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्ट्रार. अब इन रजिस्ट्रार की ड्यूटी क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद इट टू इंश्योर दैट दे आर कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट. अब वो बैठे किस लिए हैं, कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सके, रजिस्टर जो है एक तरीके से रजिस्ट्री कर सके. तो जो जिस काम के लिए आप बैठे हो, सबसे पहले ड्यूटी आपकी वही बनती है, क्योंकि आपका नाम ही वही है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. तो कंपनीज जितनी भी अपने डॉक्यूमेंट्स आपके साथ जो है फाइल कर रही है, आप उनको इंस्पेक्ट कीजिए, आप एक तरीके से इंश्योर कीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं. तो उन तरीके से आप जो है सबसे पहली आपकी यही है कि आपको एग्जामिन करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि फाइल किए जा रहे हैं. एक्नॉलेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाय हिम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइलिंग. अब जितने भी आपके पास, यानी कि ROC के पास जितने भी रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग के लिए आप डॉक्यूमेंट रिसीव्ड हुए हैं, उसके एक्नॉलेज ऑफ रिसिप्ट प्रोवाइड करवाना. मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनीज कंटेनिंग द प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स. एक रजिस्टर मेंटेन करना कंपनीज का. रजिस्टर मतलब ये नहीं है कि ये कॉपी उठा करके, नहीं, एक तरीके से उसमें जिसमें आपने सारे डिटेल्स लिखी हुई हैं, जहाँ पे आपने सारे प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स जो है वो लिख रखे हैं, वो मेंटेन किए हुए हैं. मेंटेनेंस ऑफ अ सेपरेट रजिस्टर कंटेनिंग पर्टिकुलर रिगार्डिंग डायरेक्टर एक्सेट्रा. एक अलग रजिस्टर, एक अलग आपका जो है डाटा, जिसमें आप जो है डायरेक्टर से रिलेटेड एक सेपरेट डिटेल्स कंटेन करेंगे. परमिटिंग मेंबर्स ऑफ द पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. यानी कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है इंस्पेक्ट करने, यानी कि जो आम जनता है, पब्लिक है, वो आ रही है इंस्पेक्ट करने रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स को, तो उनको परमिट करना और उनको जो है बिजनेस आवर्स के अंदर जो भी प्रोविजन के तहत, लॉज के तहत उनको राइट मिला हुआ है, उनके लिए उनको परमिट करना. नेक्स्ट इज़ योर पावर ऑफ रजिस्ट्रार. अब पावर ऑफ रजिस्ट्रार भी होगी, क्योंकि एक ऐसा पर्सन जो कि बैठा है सारी कंपनीज की डिटेलिंग कर रहा है, तो उसके कुछ तो पावर होंगे. तो फर्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 जो कि है टू एक्सटेंड द टाइम ऑफ होल्डिंग AGM अप टू 3 months. कुछ सिचुएशन में अगर आपकी कंपनी जो है कुछ सिचुएशन में AGM नहीं कर पा रही है, जो टाइम लिमिट सेट होता है उसके तहत, तो वो क्या कर सकती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जा करके जो है एक रिक्वेस्ट कर सकती है, डिटेल्स डाल सकती है कि भाई हमारा इस वजह से नहीं हो पा रहा, तो अब AGM हम थोड़ा सा लेट करना चाह रहे हैं. तो इसीलिए वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है उस AGM को 3 महीने तक का एक्सटेंशन दे सकती है, 3 महीने तक के लिए एक्सटेंड कर सकती है उनका टाइम पीरियड. सेक्शन 206 में बोला गया है टू इंस्पेक्ट ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर. अब यहाँ पे जो है इनका भी एक पावर होता है कि ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं बिजनेस आवर्स के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एंड अदर बुक्स को. नेक्स्ट इज योर सेक्शन नंबर 209 टू अप्लाई टू द स्पेशल कोर्ट फॉर एन ऑर्डर फॉर द सीजर ऑफ द बुक्स एंड पेपर ऑफ द कंपनी. अब यहाँ पे जो है सेक्शन 209 कहता है कि यहाँ पे आपका जो ROC है वो स्पेशल कोर्ट में अप्लाई कर सकता है किस चीज़ के लिए, एक ऑर्डर दिलवाने के लिए कि आप इस किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का जो है बुक्स ऑफ पेपर जो है आप सीज कर दीजिए, सीजियर. नेक्स्ट वन इज़ योर सेक्शन 248 टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. कि ये लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव करवाया जा सकता है, इनके पास राइट होता है जब वो पूरी डिटेल्स कंप्लीट हो जाती है कि वो जो है रिमूव कर सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में से किसी भी कंपनी का नाम. तो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक. आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या होती हैं, इनकी ड्यूटीज एंड उनके राइट्स क्या होते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ.